एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, लास्ट संडे सिंगापुर स्पेशल वीडियो में, कि कमिंग संडे को मैं दो वीडियोस दूंगी, तो मुझे याद नहीं था कि दशहरा है कल। तो फिर बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए जल्दी से सोचा झटपट से एक वीडियो बना देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ विजय। भगवान आप सभी को इतनी शक्ति दें कि हर मुश्किल का सामना आप अच्छे से डट के कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम सिंगापुर अपनी कार ले जा सकते हैं या बाइक ले जा सकते हैं। लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सामान के बारे में बताया था, बाइक वहां पर जो बात की थी मैंने वो बच्चों की बाइक थी। आज मैं बात कर रही हूँ अपनी स्कूटर बाइक या कार लेके जा सकते हैं क्या। जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, ना कार ले जा सकते हैं ना बाइक ले जा सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया है आपको। आप अपनी कार बाइक या कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। हाँ ये है कि जब आप जाते हैं तो 1 ईयर तक आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं वहाँ पे कार रेंट पे मिलती है बहुत ही आसानी से। 1 ईयर के 1 डे के लिए आप कार रेंट पे ले सकते हैं, 2 डे जैसे फ्रेंड्स हैं वीकेंड पे कहीं जाना है तो आप एक कार हायर कर सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं। तो उस तरीके का अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है आपको। आप यहां से अगर जा रहे हैं तो 1 ईयर तक आपको इंडिया के DL पे गाड़ी चलाने की परमिशन होती है, आफ्टर 1 ईयर नहीं होती है। तो विद इन 1 ईयर आप वहां के सारे रूल्स रेगुलेशन समझ जाएंगे और आप अपना जो DL है उसको सिंगापुर में कन्वर्ट करा लेंगे। ये वो 1 ईयर का एक तरह से ग्रेस पीरियड देती है आपको कि आप स्टैंड पे यहाँ पे अगर रहना है तो आप अपना DL कन्वर्ट करा लीजिए और 1 ईयर तक आपको अपना DL यहाँ इंडिया वाला चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं आप, लेकिन आफ्टर 1 ईयर नहीं। और प्लस वहाँ पे जो गाड़ी चलाने के जो रूल्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। टैक्स जो रोड टैक्स है कार के लिए वो टोटली डिफरेंट है। कार रखना सिंगापुर में बहुत आसान नहीं है। एज अ फॉरेनर आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जैसे कि मैंने एक बहुत पहले पुराने वीडियो में बताया था, सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, फाइन कंट्री है। तो वो वाला वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया है तो सिंगापुर जाने से पहले एक बार मेरा फाइन कंट्री वाला, जो सिंगापुर इज अ फाइन कंट्री, वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। सिंगापुर पे रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था ना सिंगापुर रूल्स, उस वीडियो को देखिएगा। 2-3 वीडियो है उस टाइप के, वो जरूर देख लीजिएगा अगर आप सिंगापुर जाने का सोच रहे हैं। तो वैसे भी वो रूल्स आपको पता होने चाहिए, कभी एज अ विजिटर भी आप जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो भी आपको वो रूल्स पता होने चाहिए। तो सिंगापुर में कार आप ले सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट मतलब इतना छोटा सा कंट्री है तो हर चीज के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अदरवाइज क्या होगा, क्राउडेड हो जाएगा, रोड भरी रहेंगी, पॉल्यूशन होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं। तो अगर आपको कार लेनी है तो बहुत सारी उसके लिए फॉर्मेलिटीज हैं, उन सभी पे अगर आप क्लियर करते हैं उन सभी चीजों को तभी आप कार ले सकते हैं। तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको उन सबको फॉलो करना होगा। टैक्स भी बहुत बड़ा वहां का मतलब प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें, इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस शॉर्ट पे बता दिया मैंने, कार ली जा सकती है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर पैसे नहीं है और कार चलाने का मन है तो भी ले सकते हैं। $100 पर डे के अकॉर्डिंग आपको कार रेंट पे मिलती है और आप आराम से लेके कहीं भी घूम घाम सकते हैं, तो मस्ती कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक दीजिएगा। पहली बार आए चैनल पे तो क्या करना है आपको, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना है, उसके बगल में बनी हुई बेल बटन पे क्लिक करना है और ऑल का ऑप्शन यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सिंगापुर के सारे वीडियोस देखने के लिए मुझसे कनेक्टेड रहिए। हर संडे को सिंगापुर स्पेशल वीडियोस आते हैं, साथ में मेरे सिंगापुर की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको चेक करना मत भूलिएगा और सारे वीडियोस देख लीजिए अगर सिंगापुर घूमने का मन है आपका तो, या सिंगापुर मूव कर रहे हैं आप तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, थोड़ी देर बाद। बाय बाय, टेक केयर।